आप देख रहे हैं आज की खबर में आपके साथ शिवानी पांडे। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट लखनऊ के बाहर मौजूद हूं। यहां पर 3 दिवसीय वर्कशॉप चल रही है और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के जो ग्लोबल गाइड हैं डॉक्टर कमलेश जी पटेल, जिनको हर कोई प्यार से दाजी बुलाता है, उनके स्वागत में एक आगमन समारोह का भी आयोजन किया गया है। और यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हैं, कई राज्यों से लोग आए हैं और खासतौर पर यूपी से काफी अच्छी तादाद में यहाँ पर लोग मेडिटेशन की वर्कशॉप अटेंड करने आए हैं। तो एक तरीके से कहना गलत नहीं होगा कि एक मिनी यूपी टाइप का यहाँ पर पूरा बस चुका है। तो आइए आपको सीधे ले चलते हैं लोगों के पास, उनसे बात करेंगे, उनको यहाँ आकर कैसा लगा ये भी जानेंगे। कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि वो यहाँ हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट लखनऊ में आए हैं, उनको कैसा लग रहा है यहाँ आके। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा, कैसा लग रहा है आप यहाँ आए? बहुत ही अच्छा, वेरी फाइन। मैं यही कहूँगा कि हमारे इस हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट का दुनिया में बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार हो रहा है और आने वाली जो जनरेशन है, हमारी जो यूथ है, उसके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त फायदा हो रहा है और इतनी मेंटल रिलीफ मिल रही है उसको कि वो अपने समग्र विकास के लिए, होलिस्टिक ग्रोथ के लिए हमारी ये हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट बहुत ही लाभकारी है और हमारे 160 देशों में इस हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट का बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार हो रहा है और ऑल इंडिया ऐसे राइटिंग इवेंट के थ्रू हम बहुत सारे इंडिया के और विदेशों के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को कवर कर रहे हैं और हमारा हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट ट्रस्ट से एक नन्हे छोटे मुन्ने बच्चों के लिए ब्राइटर माइंड एक सिलेबस निकाला गया है। ये आश्रम कैंपस बहुत शानदार है, यह मालिक की विशेष कृपा है। हमारे बाबूजी महाराज ने यहाँ पर विशेष साधना की है, विशेष पूजा की है और मैं समझता हूँ कि 4-5 हज़ार लोग यहाँ हैं और 4-5 हज़ार लोगों का यहाँ आराम से रहना, ये सब कुछ, ये सब मालिक की कृपा है, तभी हम यहाँ रह पा रहे हैं। यहाँ का वातावरण बिल्कुल आध्यात्मिक है। फीलिंग वेरी हैप्पी हियर। एक्चुअली दिस एनवायरनमेंट इज टोटली मींस फुल ऑफ ग्रेस एंड स्पिरिचुअलिटी लाइज इन आवर हार्ट एंड दैट इज द ग्रेट मैसेज ऑफ आवर मास्टर। दो आवर मास्टर इज नॉट हियर बट वी फील हिज प्रेजेंस इन आवर हार्ट and really we all of us love him too much. तो यहाँ तो दिव्यता है, ग्रेस है और जो हम सब महसूस कर रहे हैं अपने दिल में, और वही आजकल का जो इतना टेंशन है, इतना फ्रस्ट्रेशन है लोगों के बीच में। मोस्ट ऑफ द पीपल सफरिंग फ्रॉम द फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, आफ्टर डूइंग मेडिटेशन दे फील रिलैक्स एंड दे फील दैट दे हैव गेन समथिंग फ्रॉम हियर एंड समथिंग इज वी फील प्रेजेंस ऑफ गॉड इन आवर हार्ट। रियली वी हैव टू फील द गॉड। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मास्टर की सारी दिव्यता यहाँ फैल रही है, मास्टर हम लोगों के बीच ही हैं, ऐसा ना महसूस हो रहा है मास्टर हमारे बीच में नहीं है लेकिन मास्टर हम लोगों के बीच में है। मास्टर को प्रॉब्लम थोड़ी सी हो गई है, हम लोग दुआ कर रहे हैं मास्टर के लिए। हाँ, बहुत अच्छा, हम तो बहुत साल से करते आ रहे हैं, मालिक की ही तो सारी कृपा, वो लेकर आए हैं यहाँ पर हम लोगों के लिए, नहीं तो कहाँ 2 दिन का प्रोग्राम मनाना इंसान को जाना मुश्किल होता हैगा, है नहीं है? जब ये पता लगता मास्टर आ रहे हैं, मालिक आ रहे हैं तो बस अंदर से ये लगता है बस जल्दी ही पहुँचो मास्टर के पास। मैं करुणा शंकर मिश्रा शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। ये राजयोग की जो विधा है, हमारे आदि गुरु लाला जी महाराज फतेहगढ़ वाले, उन्होंने इसकी खोज की थी
और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी पूज्य बाबूजी महाराज, जिनका जन्म स्थान शाहजहाँपुर था, उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया था। उन्होंने ही रामचंद्र मिशन की स्थापना की थी। उसके बाद में उनके उत्तराधिकारी पूज्य चारी जी महाराज ने इसे विदेशों तक बढ़ाया है। आज देश के 130 देशों में विश्व में रामचंद्र मिशन काम कर रहा है, मानवता के कल्याण के लिए आपस में भाईचारा, विश्व बंधुत्व एक दूसरे को जोड़ रहा है। आज उनके उत्तराधिकारी पूज्य कमलेश डी पटेल, जिन्हें प्यार से हम लोग दाजी कहते हैं, उनका आज आगमन है, तो उनके ही स्वागत के लिए हम सारे भाई बहन यहाँ उत्सुकता से उपस्थित हैं, तहे दिल से उनका इंतजार कर रहे हैं। मेडिटेशन हो रहा है, 26 तारीख से हम यहाँ उपस्थित हैं। बहुत अच्छा वातावरण लग रहा है, घर बार परिवार माया मोह सब भूले हुए हैं और यहाँ पर सब अपने भाई बहन जैसे एक साथ मिल के बैठ उठ के खा पी रहे हैं। मैं पिछले 10 सालों से मेडिटेशन कर रहा हूँ और जहाँ तक मेडिटेशन की बात आती है, ये कहा जाता है और ये धारणा है कि जब हम ओल्ड एज में होते हैं हमें मेडिटेशन की ज़रूरत तब होती है। यूथ एक तरीके से सामाजिक जीवन से कट ऑफ हो जाता है अगर वो मेडिटेशन में जाता है, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूथ ही है जिसको सबसे ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक गोल लेके आगे चल रहा होता है अपनी लाइफ का, और उस गोल को अचीव करने के लिए मेडिटेशन बहुत ही सक्सेसफुल टूल है। यहाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की आध्यात्मिक दुनिया एक अलग होती है, और यहाँ आने के बाद में हम भौतिक दुनिया को यानी अपने परिवार को भूल जाते हैं। मालिक की याद में हम इतने यहाँ मस्त रहते हैं कि हमें घर की कोई चिंता नहीं रहती है, और घर जाने के बाद सारे हम उसमें व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम टाइम निकाल के टाइम टू टाइम जो मालिक ने बताया उसकी हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, जिससे कि हमें बहुत शांति महसूस होती है, बहुत आनंद आता है। और जिस दिन हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं उस दिन हमें बहुत बेकार सा लगता है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, घर का कोई भी काम अच्छा नहीं लगता है। अगर हम टाइम से अपनी पूजा कर लेते हैं हम बहुत रिलैक्स में रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं हमें, तो ये इतना मतलब फ़ायदेमंद है हमारे लिए कि शरीर के लिए भी मन के लिए भी हर चीज़ के लिए आध्यात्मिक ध्यान मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक के लिए। ये नहीं है कि मतलब बुजुर्ग ही 60 साल के बाद इसका वो करें, ये हमारे यहाँ पद्धति में है कि 18 साल के बाद बच्चा मतलब मेडिटेशन कर सकता है। हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट एक चांस दे रहा है आपको मेडिटेशन का, फ्री वर्कशॉप अटेंड कराता है, तो कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं इसमें 85 से जुड़ी हुई हूँ, और अगर मैं सोच रही थी अगर मैं इस मिशन में नहीं होती तो मैं बाहरी दुनिया में मैं कैसे जी पाती। मैं सारा कुछ जो भी कुछ जी हूँ इसी के उसमें जी हुई, मेरे बच्चों ने भी इसी में ही आंखें खोली हैं, मेरे सारे बच्चे इस मिशन से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल ये नहीं लग रहा कि मास्टर यहाँ नहीं है, हम लोग के साथ 24 घंटे मास्टर रहते हैं, और बिल्कुल मतलब किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा कि बिल्कुल जैसे फंक्शन होता है ना हम लोग का वहाँ हैदराबाद में इस समय हो रहा है, तो वहीं पर है हम लोग, ऐसे लग रहा है। ये हमारा जो हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट है, हमारे दाजी महाराज जो हैं ये चाहते हैं, इनका मन है कि पूरी दुनिया में हर घर में ये हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट पहुँचे, इसीलिए वो बार बार जो है हर जगह विदेश यात्रा करते हैं और हर इंडिया में हर ज़िले में जाना चाहते हैं, और उनका सपना ये है कि हमारा जो है हर विलेज में हर शहर में हमारे जो है सेंटर्स हों और सब के पास जो है हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट पहुँचे। इससे फ़ायदा क्या है कि जो भी हमारे जैसे मन तनाव में रहता है या टेंशन में है सब जो है, तो ये अगर हम इस चीज़ को अपनाते हैं मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर जो है तनाव रहित और खुशी से दिल भर जाता है, हमेशा खुश रहते हैं। तो मेरा भी आपसे भी वो है कि आप भी इस हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट को जो है वो करें, आप भी इसका अभ्यास चालू करें और औरों को भी जो है कराएं। मुझे तो अच्छा लग रहा है क्योंकि ये एक जीवन को बदलने का प्रक्रिया है हार्टफुलनेस, ये समझ लीजिए, क्योंकि रेगुलेशन ऑफ माइंड और ब्रेन का और हार्ट का जब दोनों का कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है तो हमारी जो भी कार्य हम करते हैं 100% अपना देते हैं, पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और धीरे धीरे जो नेचुरल पाथ है उसमें हम लोग चलने लगते हैं, और हमारे अंदर से जो भी बुराइयां हैं वो धीरे धीरे निकल जाती हैं, पता भी नहीं चलता।
तो एक तरह से अपने आप को चेंज करने की प्रक्रिया। दूसरा क्या है कि हमारा ये आम आदमी के लिए जन सामान्य से जुड़ सकता है, केवल उसके अंदर भाव होग हमें जुड़ना है। तो सुना आपने लोगों को, लोग काफी खुश हैं यहाँ आकर और खास तौर पर दाजी से मिलने के लिए हर कोई उत्साहित है। तो आप भी हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट से जुड़िए और मेडिटेशन को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए। और ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।